इंतखाबी अखाड़े में कौन उतरेगा। मुस्लिम लीग नून ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। शहबाज शरीफ यानी 132 से इलेक्शन लड़ेंगे। मरियम नवाज यानी 125, हमजा शहबाज यानी 124 में सियासी जौहर दिखाएंगे। ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली, राना सनाउला और ख्वाजा आसिफ के हलकों का भी ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पीपी 164 और 165 से भी मैदान में उतरेंगे। पीपी 140 से हमजा शहबाज, पीपी 173 से मरियम नवाज को टिकट दिया गया। ख्वाजा साद रफीक पीपी 168, मुश्तबा शुजाउर रहमान पीपी 147 में सियासी अखाड़ा सजाएंगे। टिकट्स की गैर मुनसिफाना तकसीम की बाजगश्त नून लीग में भी गूंज उठी। इलामा इकबाल टाउन में बलदियाती नुमाइंदे फट पड़े। कहा पीपी 160 से नाअहल शख्स को टिकट दिया गया। मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया, आज तक क़यादत से मुलाकात भी नहीं हुई। लाहौर पहले खामोश था, अब नहीं रहेगा। कारकुनों का इस्तेहसाल हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल भी टिकट्स की तकसीम पर फट पड़े। कहा ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जिन्हें कोई जानता तक नहीं, चेयरमैन की नजरसानी के मुंतजर हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक का आम इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। डॉक्टर ताहिरुल कादरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात हुई ना, एहतसाब में संजीदगी नजर आई, इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एनए 133 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एजाज चौधरी कायदे मिलत कॉलोनी में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहा नून लीग साबिक इलेक्शन में इस हलके से जीती मगर इलाके की हालत न सुधरी। लाहौर में लीगी उम्मीदवार मैदान में उतरने पर हिचकिचाहट का शिकार है।